लेटर के से रिलेटेड वोकैबलरी सुनते हैं हम। केओलिन, के ए ओ एल आई एन, केओलिन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चीनी मिट्टी। सेकेंड वर्ड है किया, के ई ए किया, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पर्वतीय तोता। थर्ड केक, के ई सी के केक, वो नहीं सी ए सी के ई नहीं, सी ए के ई नहीं, ये दूसरा केक है, इसमें जरा दिमाग लगाइए। के ई सी के केक, केक यानी मितली आना, ठीक है। फोर्थ वर्ड है हमारा केज, के ई डी जी ई, केज, केज यानी होता है छोटा लंगर। फिफ्थ वर्ड है हमारा केजी, के ई डी जी वाई, केजी, केजी यानी प्रसन्न। केटल, के ई डबल टी एल ई, केटल, केटल की हिंदी मीनिंग होती है केतली, ओके, याद रखना है आपको। दूसरा वर्ड है हमारा किटन, सब एक जैसे आ रहे हैं इसलिए इसे ध्यान से याद रखना है। किटन, किटन यानी क्या होता है, बिल्ली का बच्चा, के आई डबल टी ई एन, किटन, किटन यानी बिल्ली का बच्चा। किड, किड मैंने एक बताया था बकरी के बच्चे को, और किड हम इंसानों के बच्चे को भी कहते हैं, ओके, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक और वर्ड लेती हूँ मैं, किंडल, के आई एन डी एल ई, किंडल यानी जलाना, हिंदी मीनिंग क्या है, जलाना, ओके। एक और वर्ड लेंगे हम नॉब, के एन ओ बी, नॉब, इसमें के साइलेंट रहेगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है दस्ता। नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज, इसमें के साइलेंट रहेगा, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, ज्ञान, ओके। एक और वर्ड लेंगे हम चलो इतना काफी है, क्योंकि फिर ज्यादा वर्ड लूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि वर्ड तो बहुत सारे हैं लेकिन याद करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो जो जिस जिसमें के साइलेंट रहता है उसे अच्छे से याद रखिए, और मिलते जुलते वर्डों को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और उसकी हिंदी मीनिंग की भी मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैंने इससे पहले बताया कैनल और कैनल, दो दो दोनों का मतलब, दोनों ही वर्ड एक जैसे, लेकिन किसी में तीव्र है, किसी में कुत्तों के रखने की जगह है ना, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएंगी जिसे आपको पढ़कर ही शॉर्ट आउट करना है, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वोकैबलरी की क्लास अच्छी लगी होंगी, इसकी ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाइफ, नाइफ में भी पहला लेटर के होता है जो साइलेंट रहता है, के एन आई एफ ई, नाइफ, जो हम सबको मालूम है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाकू। अगला वर्ड देखते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड नो, इसमें भी के साइलेंट होता है, के एन ओ डब्ल्यू, नो, नो यानी क्या होता है, जानना, इसकी हिंदी मीनिंग जानना। काइंड, के आई एन डी, काइंड, काइंड में के साइलेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, काइंड की, दयालु। कीप, के डबल ई पी, कीप, कीप यानी रखना, ठीक है। किचन, के आई टी सी एच ई एन, किचन, किचन यानी रसोई। किल, के आई डबल एल, किल, किल यानी मारना। और किक, के आई सी के, किक, किक का हिंदी मीनिंग होता है लात मारना। नी, नी आपने बहुत बार सुना होगा, के एन डबल ई, नी, इसमें के साइलेंट रहेगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है घुटना।
ठीक है, कील लेस, के डबल ई एल कील, लेस एल ई डबल एस लेस, कील लेस यानी निराधार, कीन के डबल ई एन कीन, कीन यानी तीव्र तेज, केनल के ई डबल एन ई एल केनल, केनल यानी केनल की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, तीव्र। ठीक है, दो वर्ड की हिंदी मीनिंग देखी हमने, तीव्र, कीन और केनल। ठीक है, केनल को और एक चीज भी कहते हैं, आपको याद होगा के ई डबल एन ई एल केनल, केनल यानी की हिंदी मीनिंग है कुत्तों के रखने का घर। क्या है, कुत्तों के रखने का घर। अब है हमारा नॉक। अब नॉक वर्ड इसलिए लिया है मैंने, नॉक यानी होता है खट खटाना, लेकिन नॉक में जो के है वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, शुरू तो के से होगा लेकिन के ही साइलेंट रहेगा पहला वर्ड। तो नॉक की स्पेलिंग सुन लीजिए, KNOCK, नॉक, नॉक यानी खट खटाना। ठीक है, की, KEY की, की यानी कुंजी या चाबी, ये तो बहुत इजी है। किड, KID किड, किड यानी बकरी का बच्चा, हिंदी में नहीं। ठीक है, बच्चा, किसी भी चीज का बच्चे को हम, इंसानों के बच्चे को भी हम कह देते हैं किड, किड्स, है ना। तो इसमें अभी हम हिंदी मीनिंग पढ़ रहे हैं बकरी का बच्चा। किडनैप, KIDNAP, किडनैप, किडनैप यानी, किडनैप की हिंदी मीनिंग होती है अपहरण, अपहरण। ठीक है,